मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं कक्षा 11 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के बच्चे आज हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। ये भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इस निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस निबंध के माध्यम से ये भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इस निबंध के माध्यम से भारत के ऊपर सवाल उठाए हैं कि भारत की उन्नत कैसे होगी, भारतवर्ष की उन्नत किस तरह हो सकती है, इसके विषय में नीचे निबंध भी लिखे हैं। आप लोग पढ़ेंगे प्रस्तुत निबंध लेखन के द्वारा दिसंबर 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। यह निबंध भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इसको भाषण देने के लिए कहाँ लिखा गया, क्यों लिखा गया था, कहाँ पर भाषण के लिए लिखा गया था, दिसंबर सन 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर, अर्थात बलिया में जो ददरी का मेला लगता है उस मेले के अवसर पर देशव्यापी आंदोलन में एक संगोष्ठी स्थापित की गई थी। उस संगोष्ठी में इस भाषण को देना था। इसके द्वारा लेखक ने देश की जनता की कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी तालीम प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी। इस निबंध में आप पढ़ेंगे कि ये जो भाषण देने के लिए जो यानी निबंध लिखा गया था, इसमें जनता की कुरीतियों अंधविश्वासों के त्याग कर, जो जनता में अंधविश्वास कुरीतियाँ जो व्याप्त हो गई थी उसको त्याग कर अच्छी से अच्छी तालीम प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, जो उद्योग धंधे हैं उसको विकसित करने के लिए, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी गई है। अर्थात एक दूसरे का सहयोग करें, उद्योग धंधों का विकास करें, एकता पर बल दें, इन सभी क्षेत्रों पर आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी गई है। देश की उन्नत के लिए ये बात भी महत्व रखती है, इसे भारतेंदु जी की दूरदर्शिता प्रकट होती है कि देश की उन्नत के लिए क्या हमें करना चाहिए, यानी क्या क्या कार्य करें जो देश के उन्नत में सहयोग होगा। इसको भारतेंदु जी ने अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से इस निबंध में लिखा है। अर्थात इस निबंध में भारतेंदु जी ने यह प्रकट किया है कि देश की उन्नत के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस तरह हम भारत की उन्नत कर सकते हैं। ये आगे क्या कहते हैं लिखते हुए, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक साथ पर देखते हैं। ये लिखना प्रारंभ करते हैं इस भाषण को, तो क्या करें, आज बड़े आनंद का दिन है। आज का दिन बड़ा ही हर्ष उल्लास का दिन है कि छोटा सा नगर बलिया है, ये जो बलिया जिला है यहीं की बात हो रही है, छोटा सा नगर बलिया है, हम इतने मनुष्यों को यहाँ पर, जो इतने भी मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं, ये इनमें बहुत से हर्षोल्लास भरे पड़े हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, यानी ये बड़ी विडम्बना की बात कर रहे हैं कि इस देश या देश के लोग ऐसे अभागे हैं। जब देश के लोग अभागे हैं तो देश को भी अभागा कहा जा सकता है, इसलिए कहें इस अभागे आलसी देश में, अर्थात यहाँ के लोग ज़्यादा आलसी हैं, जो मिल जाता है उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं रखते, और ज़्यादा पाने की क्षमता नहीं रखते। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं,
यहाँ कहा जा रहा है हमारे हिंदुस्तानी लोग कैसे हैं, एक रेल की गाड़ी के समान है। जब रेल की गाड़ी में जैसे डिब्बे लगे होते हैं, उस डिब्बे के समान है। जब तक रेल के डिब्बे में इंजन नहीं उसको आगे बढ़ाएगा, तब तक ये लोग वहीं पड़े रहेंगे। तो आगे देखें, हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी हैं, यदि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है। ये जो ट्रेन है उसमें फर्स्ट क्लास के लिए भी हैं, सेकेंड क्लास के लिए लोग भी हैं, अर्थात थर्ड क्लास के लोग भी हैं। अर्थात यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग हैं। लेकिन क्या है, ये लोग केवल गाड़ी के डिब्बे के समान हैं। जिस तरह ट्रेन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये गाड़ी लगी होती है, डिब्बे लगे होते हैं, उसी डिब्बे के समान हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। जैसे वे डिब्बे बिना गाड़ी के इंजन के चल नहीं सकते, उसी तरह बिना एक नेता, बिना एक अगुआ के या भारत के लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार भारतेंदु जी इनको आलसी का देश कहा है। आगे देखते हैं, वैसे ही हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। वही बात है, अगर हिंदुस्तानी लोगों को अगर कोई चलाने वाला हो, कोई पथ प्रदर्शक हो, कोई उनके राह में आगे बढ़ने के लिए सहारा देने वाला हो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अर्थात दुनिया में अपने नाम का डंका बजा सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए कि चुप साधी रहा बलवाना, का फिर चुप साधी रहा बलवाना। ये उस समय का ये बात है, जब हनुमान जी जामवंत और अन्य वानर भालू जब सीता की खोज के लिए समुद्र तट पर गए, और सभी लोग सोचने लगे इतने विशाल समुद्र के उस पार कौन जाएगा, तब जामवंत जी बोलते हैं, क्या कहते हैं, का चुप साधी रहा बलवाना। फिर वे हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप क्यों चुप साधे बैठे हैं, आप तो महाबलशाली हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तब उनके पास हनुमान जी को अपने बल और शौर्य और ताकत का आभास होता है, और एक ही छलांग में वे समुद्र को पार करके लंका पहुंच जाते हैं। तो वही बात हो रही है। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, अर्थात उसी प्रकार भारतीय भी लोग हैं। जब इनको कहना पड़ता है आप लोग कर्मशील हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, आप लोग ये काम कर सकते हैं, आप ये इस काम को करने का प्रयास कीजिए, तब लोग आगे बढ़ते हैं, ना तो चुपचाप आलस्य रूप में पड़े रहते हैं। इनसे इतना कह दीजिए कि चुप ये सो बल कौन याद दिलावे, लेकिन इन भारतीयों को वह बल, उनकी ताकत को कौन याद दिलाएगा, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हकीम, इनको कौन याद दिला सकता है, हिंदुस्तान के राजे या महाराजे या नवाब या रईस या हकीम लोग। एक राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन झूठी गप और से छुट्टी नहीं, राजे महाराजे 2-3 घंटे तक पूजा करते हैं पूरे साज के साथ, और फिर भोजन में कुछ समय व्यतीत करते हैं, फिर झूठी गप सब में, अर्थात उन्हें जब छुट्टी रहेगी, अर्थात उनको जब समय मिलेगा तभी कह सकते हैं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहते हैं, हाकिम लोग अर्थात मुंशी लोग, अर्थात नौकरी पेशा लोगों की बात को हो रहा है, ये लोग तो सरकारी कामों से घिरे रहते हैं, अपने काम से जब छुट्टी पाएंगे तब देश के विषय में, तब भारतीयों के विषय में सोचेंगे। कुछ है, बाल घोड़ दौड़ थिएटर में समय गया, अर्थात उनका कुछ समय घुड़दौड़ में, कुछ सिनेमा में बीत गया, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है,
अर्थात उनको कुछ समय भी मिल गया तो उनको क्या गरज है दूसरे को कहने के लिए, दूसरों को पथ दिखाने के लिए, अर्थात वे अपने में ही मशगूल रहते हैं। हम गरीब गंदे काले आदमी से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें, बस वही मसल रही। अर्थात हम गंदे काले आदमी, अर्थात अंग्रेज लोग हम लोगों को गंदे और काले आदमी जैसे शब्द का प्रयोग करते थे, उसी शब्द का प्रयोग करते हुए भारतेंदु जी कह रहे हैं कि हम लोग गंदे और काले आदमी मिलकर अपना अनमोल समय क्यों खोएं। हमें अपने समय को गंवाना नहीं है, बल्कि अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। बस वही मसल रही, क्या है तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, लिख रहे हैं क्या तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका अब मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो गैरों से फुर्सत भी नहीं है, यानी अन्य लोगों से बात करने या उनके साथ समय बिताने से फुर्सत नहीं है, और हमें अपने गम अपने दुख से समय नहीं मिल पाता। अर्थात तुम्हें गैरों से नहीं फुर्सत है और हमें अपने दुख और गम से नहीं फुर्सत है, तो चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इस प्रकार हमारा तुम्हारा मिलन अब नहीं हो पाएगा, अर्थात तुम लोग हमें कुछ नहीं कह सकते हो तो हम लोग तुम्हें भी नहीं कुछ कहेंगे। इस प्रकार तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, अर्थात तुम भी खाली न तुम खाली न हम खाली, अर्थात मैं अपने समय से नहीं खाली हूँ, तुम अपने समय से नहीं खाली, अर्थात कोई भी अपने विषय के अलावा अन्य दूसरे के विषय में सोचने वाला नहीं है। तो जब दूसरे के विषय में नहीं सोचेंगे तो वो देश के विषय में क्या सोच सकते हैं। इस प्रकार भारतेंदु जी ने इस दोहे को कहा है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मण के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विधा और नीति फैलावें, और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षिण बढ़े। पहले जब आर्य लोग आए तो हिंदुस्तान में आकर बस गए, क्योंकि माना जाता है आर्य लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, ये लोग पश्चिमी या पूर्व उत्तर और पश्चिमी दिशा से भारत में आए थे। कुछ लोग इन्हें कहते हैं मंगोलिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं ये मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसे अनेक लोग बहुत सी बातें कहते हैं। तो जब ये भारत आए तो यहाँ आकर बस गए। यहाँ के राजा और ब्राह्मण के जिम्मे में काम था कि देश में नाना प्रकार की विधा, किस देश में अनेकों प्रकार की विधा और नीति को फैलाएंगे, अनेकों प्रकार की विधा अर्थात हर प्रकार के विषय का ज्ञान, ललित कला का ज्ञान और अनेक प्रकार की नीतियाँ, जैसे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश की सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, देश के प्रजा का हित किस में है, ये सब की बात हो रही है। तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षिण बढ़े, अगर ये लोग इस पर ध्यान दें तो हिंदुस्तान प्रत्येक दिन बढ़ने की क्या बात है, प्रत्येक पल बढ़ सकता है, अर्थात एक एक क्षण आगे बढ़ना प्रारंभ कर देगा। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, लेकिन इन लोगों को क्या हुआ है, निकम्मापन, ये अपने कर्म को भूल करके अपने स्वार्थ बस कर्म कर रहे हैं, अपने हित में सोच रहे हैं, अर्थात इन निकम्मों ने देश के प्रति सोचना बंद कर दिया, प्रजा के प्रति सोचना बंद कर दिया, दूसरों के प्रति सोचना बंद कर दिया।